जिला ललितपुर के महरौनी ब्लॉक के भौड़ी गांव में ग्रामीणों को कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। साथ ही कोटेदार जिन लोगों को राशन भी देता है तो तौल में हेर फेर करके उसे कम कर देता है। गांव के लोग परेशान हैं कि वे अपने हक का राशन कैसे पाएं। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि इस बारे में शिकायत आई है, हम जाँच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। कब से नहीं मिल रहा आपको राशन? एकाव नहीं मिलू हमें बेटा, एकाव शुरू से नहीं मिलू। अब तो 3 साल 4-5 साल में देखो गई है, कल ही मिलू सबको मिल लगा है। तू बेदर आखिर 3 दार आधार कार्ड दे के फोटो काफी सबकी दे रखी हमने। छोटे छोटे बच्चा है, कछ नहीं मिला राशन कार्ड से, न गेहूँ ना शक्कर ना चावल बनाया नहीं है तुम्हारा। हाँ बेटा, दो दो 3 दात इतनी मने दाई महाराज को दाई 3 दात पर मठ भा रहे थे पुराने। हाँ है सु पैसा ले लाए थे, कत्ती बनवा दी फिर नहीं बनवा जाएगी। कौन से दूसरे परमट बनेंगे? और दूसरे दर्शन बन के यहाँ बता रहे थे कि जी परमट रद्द हुए दूसरे यहाँ। आप और लोगों के नाम जोड़ रहे हैं इसमें? और नाम भी बता रहे थे, जोड़ रहे जांच करके पंचायत में तो सिक्योरिटी और प्रधान जो है मिलके जी के जांच में बताए जी परमट आने वाले। कब से दे रहे हैं इतने महंगे चावल? आप लोगों ने कभी बोला नहीं है? अब बोला था सोते हम का कहे उन लोगों से, सबको मिला सो जैसे लिया जैसे सबको। आपके गांव के कुछ लोग बोलते हैं चीनी महंगी देते हैं कोटेदार। चीनी आती नहीं है, 2 महीने क्यों नहीं आई 2 महीने से चीनी? सरकार जाने उनका पता सकता है। इनके राशन कार्ड कब तक बन जाएंगे? नहीं राशन कार्ड को वो बताएंगे सप्लाई विभाग। हमारे यहाँ पे दरखास्त जो जनता दरबार में जो दरखास्त प्रस्तुत होती है या साहब के पास जो भी प्रस्तुत करते हैं वो चढ़ा के हम देखते हैं।